नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस समय अम्बाला से जुड़ी हुई जो खबर लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अम्बाला के लिए राहत भरी खबर है। जी हां, अम्बाला में स्वास्थ्य विभाग ने बीते 24 घंटे में लगभग 179 लोगों के सैंपल्स जो हैं वो लिए थे, जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए थे, लेकिन अब उन सभी लोगों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है। तो कहीं ना कहीं अम्बाला स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलग अलग हिस्सों में स्क्रीनिंग कर रही हैं और वहाँ पर जिन लोगों में कोरोना या फ्लू जैसे लक्षण मिलते हैं तो उनके सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं, तो ऐसे ही 179 लोगों के सैंपल लिए गए थे और उन सभी लोगों की रिपोर्ट जो है वो अब नेगेटिव आई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं राहत की सांस अम्बाला स्वास्थ्य विभाग ने ली है कि 179 लोगों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि लोग घरों में बने रहें, लेकिन हम भी स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ ये अपील करते हैं कि अगर इस तरह की जो राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप लोग सड़कों पर निकलने लग जाएं, आप लोग घरों से बाहर निकलने लग जाएं, आप लोग बेहताशा सड़कों पर घूमें या घरों से बाहर घूमें, तो इस चीज़ का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। एक जानकारी के तौर पर हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि अम्बाला में राहत भरी खबर ये सामने आई है कि 179 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिन लोगों के स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल्स लिए थे। क्या कुछ डिटेल है इस पूरी खबर की, ये जानने के लिए अम्बाला के CMO कुलदीप सिंह के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल्स लिए थे, क्या कुछ आंकड़ा जो रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है उनका है, और साथ साथ किस तरह की स्क्रीनिंग चल रही है और मामलों पर भी उनसे जानकारी लेंगे। और इस समय हम आ पहुंचे हैं अम्बाला के CMO डॉक्टर कुलदीप सिंह के पास और उनसे जानेंगे कि किस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो पिछले 24 घंटे में आई है। सर, कितनी सैंपलिंग हुई थी पिछले 24 घंटों में या दो दिन में और क्या कुछ रिपोर्ट्स आई हैं? देखिए, हमने परसों 179 सैंपल लिए थे, जिनमें ठरवा माजरी के भी थे, रतनगढ़ के भी थे, जो हमारा डायलिसिस सेंटर है अम्बाला कैंट में उसके वो थे, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और इवन जो एक वो था ठरवा माजरी का जो पेशेंट एडमिट है, उसके परिवार वालों के दोबारा से सैंपल लिए थे, उनके भी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये खुशी की बात है हमारे लिए। और 234 सैंपल की रिपोर्ट जो हमने कल सैंपल लिए थे उनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। और हमारी आज भी सैंपलिंग एक्टिविटीज पूरे अम्बाला ज़िले में जगह जगह चली हुई है। सर, ये जो 234 की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है उसमें ये नांदेड़ वाले भी शामिल हैं? हाँ बिल्कुल, 39 जो नांदेड़ वाले हैं, जिनमें 11 अम्बाला के हैं और बाकी कुछ एक यमुनानगर के हैं, पंचकुला के हैं, कुरुक्षेत्रा के हैं, फतेहाबाद के हैं, कैथल के हैं या दिल्ली के भी हैं। उनकी रिपोर्ट 39 की रिपोर्ट आज शाम तक आने की उम्मीद है। सर, स्क्रीनिंग भी साथ साथ चल रही है अलग अलग इलाकों में, कंटेनमेंट जोन्स में, वो उसका क्या कुछ आंकड़ा पहुंचा है? 96 टीमें हमारी मोबाइल एलटी में, जिसमें हर टीम में एक डॉक्टर है, वो चेक किसी भी गली मोहल्ले में जाके, हर गांव में जाके स्क्रीनिंग क्या OPD लगा रहे हैं बाकायदा। वहाँ पर सारे मरीजों को हर तरह की दवाई दी जा रही है और उसके कारण हमारी जो सरकारी फैसिलिटी है उनके ऊपर लोड कम हुआ है और लोगों को डोर स्टेप के ऊपर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। उसके कारण ये है कि और वहीं से सैंपल भी उठा रहे हैं हम, अगर मान लो कोई भी किसी को भी ILI या सारी के सिम्टम मिल रहे हैं तो वहीं से सैंपल, और रोज़ाना एवरेज लगभग 30,000 के आसपास ये टीमें मरीजों को चेक कर रही हैं। सर, कल की अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 21 नए मामले सामने आए थे, अम्बाला में तस्वीरें लोग सड़कों पर हैं, कितना जानलेवा साबित हो सकता है ये? बिल्कुल, ये जानलेवा साबित होगा अगर लोग ऐसे सड़कों पे घूमते रहे तो। मैं बार बार आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर आपने कोरोना से बचना है तो अपने घर पे बने रहें और सड़कों पे बार बार ना निकलें। ये है कि लक्ष्मण रेखा का पालन करें, जो सरकार ने लक्ष्मण रेखा दे रखी है लॉकडाउन की, अगर अपने घरों में बने रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो कोरोना आपको किसी भी कोने से कैच कर सकता है। तो अम्बाला के लिए राहत की खबर जरूर है कि पिछले जो 179 सैंपल लिए थे स्वास्थ्य विभाग ने, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आई हैं और आगे के जो 234 सैंपल्स की भेज रखे हैं उनकी रिपोर्ट आज आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से अम्बाला की जनता सड़कों पर उतर रही है वो कहीं ना कहीं घातक जरूर सिद्ध हो सकता है। ऐसे में अम्बाला का स्वास्थ्य विभाग जो दिन रात अपनी परवाह किए बिना इस काम में जुटा हुआ है, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वो भी आपसे यही अपील कर रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, आप लोग अपने घरों में बने रहें। देखते रहिए हमारी खबरें हमारे Facebook पेज पर और हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए।